हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो के साथ हूँ, दैट इज़ MS Excel। मतलब इस वीडियो की इतनी ज़्यादा डिमांड आई है ना, तो मैंने कहा फाइनली बना दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो MS Excel में फंक्शन क्या है, होता क्या है। देखो, पुराने ज़माने में और अभी भी काफ़ी जगहों पर अभी भी क्या होता है, रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं जहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होता है, या कुछ लोग रजिस्टर मेंटेन करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। जैसे कि आप जब अपनी लाइब्रेरी जाते हो या कहीं पर आप एंट्री करते हो, उसमें रजिस्टर्ड मेंटेन होते हैं ना, आप देखते होगे उसमें आपने सीरियल नंबर डालना होता है कि आप किस नंबर पर आए, अपना नाम डालना होता है, अपना एड्रेस डालना होता है ना, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है, उसके बाद आप किस टाइम पर अंदर गए, किस टाइम पर वहाँ से बाहर आए, है ना, और अपने सिग्नेचर देने होते हैं। तो ऐसे एक पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है। ये एक एग्जांपल था एक रजिस्टर का। ऐसे कई तरह के रजिस्टर मेंटेन हो सकते हैं। कुछ बिजनेस रजिस्टर मेंटेन होते हैं, कुछ है ना जिसमें बिजनेस के कि इतना हो चुका है, इतना होकर रहना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। वो मैंने एक जस्ट नॉर्मल रजिस्टर का एग्जांपल दिया। अब रजिस्टर कैसे होते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। रजिस्टर कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं कि पहले इधर होता है सीरियल नंबर, फिर होता है नाम, ठीक है, फिर होता है एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट, फिर टाइम इन टाइम आउट, फिर साइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बंदा वन लिख के अपना नाम लिख देता है, एड्रेस लिख देता है, कॉन्टैक्ट लिख देता है, टाइम इन टाइम आउट लिखता है, साइन ले करके और टाइम इन जब अंदर जाता है बाहर आता है, टाइम आउट करके साइन इन कर ऐसे साइन करके और चला जाता है। तो ऐसे एक पूरा रजिस्टर भरता है कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, ऐसे करके। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत से आपने रजिस्टर अपनी लाइफ में देखे होंगे जिसमें पूरा मेंटेन करते हैं, और जो लोग मेंटेन करते हैं उनको तो पता ही होगा, है ना। तो ये तो हो गया हाथ का काम, जो हम हाथ से मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसको ही जब हम कंप्यूटर पर करते हैं ना, तो वो हम किस पे करते हैं, एक्सेल पर करते हैं। उसमें हम रजिस्टर बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर रजिस्टर सब कुछ, और उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सेल कहते हैं। अब देखो ध्यान से, जो ये चीज़ें होती हैं इसको हम बोलते हैं रोज, और जो ये जो हम बनाते हैं डिवाइड करते हैं इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। सेम है एक्सेल। अब आ जाओ एक्सेल पर, ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए था। अब आ जाओ एक्सेल। एक्सेल कैसे चलाते हैं, पहले हम स्टार्ट पर जाते हैं। स्टार्ट पर जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पर जाने के बाद, ध्यान से ऑल प्रोग्राम पर जाने के बाद यहाँ पर ऑफिस लिखा होगा कहीं पर ना, आप लोग भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रही हूँ। ये रहा ऑफिस। ऑफिस पर जाने के बाद देखो एक्सेल लिखा हुआ है, एक्सेल। अब एक्सेल खुलेगा। अब एक्सेल खुल गया है, देखो सेम रजिस्टर की तरह बना आ रहा है ना, वही है ये, और कुछ है भी नहीं है, ठीक है। अब जो ये सीधी सीधी आ रहे हैं ये कॉलम्स हैं, और जो ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं ये रोज हैं। अब उसी एग्जांपल को मैं आपको एक रजिस्टर बना के दिखा देती हूँ। जैसे सपोज आपने रजिस्टर बनाया, ठीक है, तो आपने फर्स्ट पे आपने लिखना है कि यहाँ पे आपका आना चाहिए सीरियल नंबर। आपने इस पर क्लिक किया, आपने एस डॉट नंबर लिखा, सीरियल नंबर। नेक्स्ट में आपने नेम लिखना है, ठीक है, एन, जैसे हमने एन बड़ा हो गया, एन ए एम ई नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है, ए डी डी आर ई एस एस एड्रेस। अब एड्रेस के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, तो जब ये ऐसा ये ऐसा वाला प्लस आएगा, इसको होल्ड करना है, डबल क्लिक करके होल्ड हो जाएगा, छोड़ना नहीं है डबल क्लिक को, और अपनी फिंगर को स्लाइड करना है। जब हुआ क्यों नहीं, ये इसको बड़ा होना चाहिए था, ये तो उधर शिफ्ट हो गया, ओके, देयर इज समथिंग दैट आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, तो एक चीज़ पता चली है, जब ये प्लस बनाता है और हम इसको डबल क्लिक करके ऐसे करते हैं तो ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ अभी हमें पता चली है। अब ये कॉलम्स कैसे लंबे होते हैं, आई थिंक यहाँ से होते हैं, यहाँ से, ये देखो जब ये बनाए ना, ये जब आप ऊपर जाएंगे ना, उसके जो आपने बड़ा करना है उसके ऊपर जाना है, फिर डबल क्लिक करके ऐसे, हाँ अब हो गया,
एड्रेस को, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लिखना पड़ता है ना, हाउस नंबर वगैरह सारा कुछ, तो एड्रेस के लिए हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट बिल्कुल बेसिक, ठीक है। फिर टाइम ऐसे, मतलब बस इतना बहुत है हमें एक। और जैसे हमने सपोज पहले 10 के लिए करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 ऐसे करके, 1 है ना, 2, मैं 5 तक का करके दिखा देती हूँ, 3 4 और 5, मतलब आप ऐसे रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसे ही अब आप नाम लिख दोगे कोई भी, फिर आप एड्रेस लिख दोगे, फिर ये, अब आपने यही सारा एक टेबल बनाना है और बनाना ही नहीं है ना। तो अब आप इस टेबल को आप करोगे सेलेक्ट, ठीक है, तो आपने सीरियल नंबर पे यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और आपने 5 तक इसको नीचे तक ड्रैग किया, फिर आपने राइट में ड्रैग किया, फिर एड्रेस पे ड्रैग किया, टाइम पे ड्रैग किया, ठीक है। ये हमारा, ये जब भर जाएगा तब करना है ऐसे, मैंने भरा नहीं है, लेकिन जब आप भर दोगे इसको तब आपने करना है ऐसे। और अगर आपको ड्रैग सेलेक्ट और ये नहीं करना था तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, आप उसको चेकआउट कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर ये देखो, ये यहाँ पे ये बना रहा है, ये इसका मतलब है बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक कर देना तो बॉर्डर आ, ये तो बॉटम, ये तो सिर्फ नीचे नीचे का बॉर्डर आया है। हमें क्या करना है, ऑल बॉर्डर पे जाके सारे को बॉर्डर देना है, ताकि ये रजिस्टर की तरह दिखे, है ना। और फिर जब हम इसका इधर क्लिक करेंगे ऐसे, और प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देखिए इस तरह से हमारी शीट हमारे पास आएगी। और जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमारा ऐसे शीट पूरी ऐसे टेबल फॉर्म में बनी आएगी। तो जब भी आपको कुछ टेबल फॉर्म में भी बनाना हो तो भी आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आप ये बॉर्डर नहीं करोगे ना ऐसे, जो ये बॉर्डर किया है, अगर हम यहाँ पे जाकर बॉर्डर नहीं करते, जैसे सपोज मैं आपको करके दिखाती हूँ, नो बॉर्डर, और फिर हम इसका प्रिंट देखते, प्रिंट प्रीव्यू देखते, तो क्या आता, ऐसा आता। तो हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता, और हमें ऐसा चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम रजिस्टर की तरह मेंटेन करना चाहते हैं, तो रजिस्टर की तरह ही चाहिए, तो इसलिए हम इसको रजिस्टर की तरह ही करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एमएस एक्सेल की शीट्स तैयार होती हैं। देखो कितना इजी था, और इतना बड़ा हमने इसका दंगा किया हुआ था। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, और यही यूज़ होता है मोस्टली। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो बहुत ज़्यादा बड़ा वास्ट है ये एक्सेल। मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बता दिया, जिससे कि आप इसे यूज़ कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।